हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड तक और आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया भिंडी मसाला। तो क्या चाहिए इसके लिए? भिंडी चाहिए, सोया चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चॉप्ड अनियंस। ये वही रेगुलर भिंडी मसाला है जिसमें हम सोया ऐड करने जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा हेल्दी बनाएं। प्याज जब हल्का सा नरम हो जाएगा तब बाकी की सामग्री भी इसमें हम ऐड करेंगे। प्याज नरम हो चुके हैं, इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले साबुत जीरा और चॉप्ड टमेटोज। टमाटर को भी हमें हल्का सा नरम करना है। इसमें अब हम ऐड करेंगे बाकी के ड्राइड स्पाइसेस जैसे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च चॉप्ड और खूब सारा धनिया पाउडर। इस मसाले को हमें कुछ देर के लिए, कम से कम फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स अच्छे से भुनना है। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो भिंडी से भी इंपॉर्टेंट है इस डिश में, वो है प्री कुक्ड सोया। तो हमारे पास यहाँ पे सोया के मिनी चंक्स है। सोया इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इस डिश को थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट देना चाहते हैं और सोया से ये रिच इन प्रोटीन डिश बन जाएगा और फैट फ्री भी। तो सोया को हम थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे मसाले के साथ। और जो भिंडी हमने धो के अच्छे से, हमने बस इसके टिप्स काटे हैं, इसको स्लिट नहीं किया है हमने, तो इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो है जो इस डिश में रिक्वायर्ड थे वो कढ़ाई में जा चुके हैं। अब इसे बस हमें थोड़ी देर पकने रखना है। हमारी सोया भिंडी मसाला तो तैयार हो चुकी है, चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं। भिंडी आमतौर पे बहुत लोगों की फेवरेट होती है, इसे बस हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट दिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को अपने घर में। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर में और हमें बताइएगा कि कैसे बनी। न्यूट्रेला फूड तक को आप यूं ही देखते रहिएगा और हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।